डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हिंदी में, बिकॉज बिफोर आई हैव गिवन ऑल वीडियोज इन इंग्लिश एंड सम स्टूडेंट्स मेड कॉल टू मी फॉर हिंदी वर्जन एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इन हिंदी वर्जन. इसामी. इसामी मध्यकालीन इतिहास के एक जाने माने इतिहासकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है. इनका पूरा नाम ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी है. ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन इतिहासकार हैं. इनका जन्म ईरान में, सॉरी, इनका जन्म 1311-12 में हुआ था. इनके पूर्वज फकरुल मुल्क सर्वप्रथम इंडिया आए और इन्होंने यहाँ बसने का निर्णय लिया, मीन्स यहाँ रिसाइड करने का निर्णय लिया. इनके बारे में जो सूचना मिलती है, इन्होंने अब्बासी खलीफाओं के यहाँ वजीर के पद पे कार्य किए थे. जब ये भारत आते हैं तो इल्तुतमिश ने इन्हें अपना वजीर अपॉइंट किया था. इसामी के ग्रैंडफादर इजुद्दीन भी एक प्रसिद्ध राइटर थे. हमें सूचना मिलती है कि इसामी के बचपन में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था और इनकी शिक्षा, इनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी इनके ग्रैंडफादर इजुद्दीन के द्वारा किया गया था. किंतु जब मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया, आई थिंक यू नो दिस वन, फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद जब राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, सो इनके ग्रैंडफादर उसी दौरान, मीन्स राजधानी परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया और लोगों की तरह, एंड जब ये रास्ते में जा रहे थे तो इनकी वहीं डेथ हो जाती है. और इसामी इससे व्यथित हो जाते हैं एंड आप इसके बाद ये मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट हो जाते हैं. दादा की मृत्यु के बाद इसामी ने निर्णय लिया कि हम भारत छोड़कर के हज करने चले जाएंगे, लेकिन जाने के पूर्व इन्होंने एक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना कर दी जिसे हम फुतुहुस सलातीन के नाम से जानते हैं. यह ग्रंथ 9 दिसंबर 1949 से प्रारंभ होकर के 14 मई 1350 में पूर्ण होती है. यह ग्रंथ अलाउद्दीन बहमन शाह के दरबार में लिखी गई, क्योंकि इसामी एक बार जब दौलताबाद चले गए वहां से इन्होंने कभी लौट के नहीं आए, और इन्हीं के संरक्षण में फुतुह सलातीन की रचना की गई. तो फुतुह सलातीन इन्हीं को समर्पित है, मीन्स इट इज डेडिकेटेड टू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह. बेसिकली उन्होंने इसकी रचना पद्यात्मक शैली में की थी, पोएटिक स्टाइल में की थी. फिर दौसी ने शाहनामा की रचना की थी जो पद्य में लिखा था.
शाहनामा में जहां फिरदौसी ने आदम से लेकर मोहम्मद गजनवी तक का इतिहास लिखा है, किंतु इन्होंने मोहम्मद गजनवी के 17वें आक्रमण एवं उसके कारणों और परिणामों के साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के 1349-50 ईस्वी तक का वर्णन किया है। इसामी की रचना में 12,000 तक पद हैं। डॉक्टर मेहदी हसन ने सर्वप्रथम इसे प्रकाशित किया था। कुछ इसामी के द्वारा प्रेषित सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। पहला पॉइंट है, सल्तनत कालीन युद्ध योम घेरे मींस वार एंड ले सीज का व्यापक वर्णन प्राप्त होती है। मींस किस प्रकार सुल्तान किसी देशी राज्यों पर अटैक करते थे और किस तरह से घेरा डालते थे, ये बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यह ग्रंथ नासिरुद्दीन महमूद के शासन के अंतिम वर्षों की घटनाओं का वर्णन देता है, जिसे मिनहाज ने छोड़ दिया था, और बरनी की तारीख फिरोजशाही इसके बाद स्टार्ट होती है। तो बीच बीच में जो गैप था उसको, उस गैप का वर्णन इसामी ने किया है। प्रांतीय राजवंशों के बारे में सटीक जानकारी देने वाला प्रथम ग्रंथ है। किन परिस्थितियों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, इसकी भी जानकारी हमें इसामी के इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। जलालुद्दीन खिलजी का एसेसिनेशन किस प्रकार हुआ, किसने किया, एसेसिनेशन मीन्स उनका मर्डर, उनका वध किस प्रकार किया गया, इसकी भी सूचना हमें इसामी के इस ग्रंथ से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारतीय अभियान का व्यापक वर्णन और उसके विजयों का व्यापक वर्णन इसामी के द्वारा किया गया है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना हमको मिलती है। रणथंभौर की घेरे के समय चमड़े तथा कपड़ों के थैलों में मिट्टी भरकर उसकी खाई को पाटने की बात हमें इसामी के इसी ग्रंथ से मिलती है, और मंगोल अटैक के बारे में भी हमें इसामी के इस ग्रंथ से सूचना मिलती है। डॉक्टर आगा मेहदी हसन ने इसामी के फुतुहुस सलातीन को इतिहास का चमत्कारिक पुस्तक कहा है, क्योंकि लगभग 350 वर्षों का इतिहास इस ग्रंथ में सजोया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इनका दृष्टिकोण काफ़ी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इन्होंने मोहम्मद तुगलक को सबसे बुद्धिमान, मूर्ख, दुष्ट, अत्याचारी और बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स यूज़ किए हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें दिया गया है कि ताबे के संकेतिक मुद्रा के साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े और लोहे के भी सिक्के जारी किए थे और करेंसी जारी किए थे, इसका भी वर्णन हमें इसामी के ही ग्रंथ से मिलता है। एंड जिस प्रकार अमीर खुसरो ने भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की है, यहाँ के वातावरण का, यहाँ के क्लाइमेट का, सेम स्वरूप हमें इसामी के ग्रंथ में भी मिलता है। और लास्ट पॉइंट, बलबन के द्वारा अपने दामाद को, नसीरुद्दीन महमूद को जो जहर दिया गया था, इसकी सूचना हमें इसामी की ही ग्रंथ से प्राप्त होती है। थैंक यू।